फाइव पिन जो होता है उसको रिप्लेस हम कर सकते हैं सी टाइप के जगह पे। अच्छा, एक अच्छा था और चार्जिंग नट स्टोर का जो सॉल्यूशन था फेक चार्जिंग बहुत बढ़िया है। फेक चार्जिंग डेड हैंडसेट कितने दिए आपने? टोटल डेड हैंडसेट कितने दिए? 80 हैंडसेट। किसी की कैपेसिटी एकदम से 80 हैंडसेट बना पाना? तो बाकी हम मतलब आपने 80 पीस दिए तो आप 80 पीस की डेड सेक्शन में आप उसकी कैश हिस्ट्री देखेंगे। आप कुछ बताया जा रहा है एकदम सरल तरीके से बताया जा रहा है। कोई भी आदमी हो, एकदम नया आदमी हो, कुछ जो कभी मोबाइल खोला भी नहीं होगा, एक बार में खोलेगा मोबाइल, एक बार में बनाएगा, वन टाइम में मतलब मोबाइल बना। थे इसके अंदर कितने लाइट सेट थे आपके? लाइट सेट कितने थे आपके जो आप जो आपने डायग्नोस करने के दिए थे आपको? 10 थे। उसकी पूरी की पूरी आपने केस हिस्ट्री देखी यहाँ पे? जी सर। करके मतलब क्या प्रॉब्लम थी, कैसे बनाया आपने, पूरा का पूरा देखा? जी सर। अच्छा, जितने आपने सेट दिए थे चार्जिंग के, बिना बिना बना हुआ किसी का सेट है क्या? नहीं सर। हमारे साथ है 28 अक्टूबर की बैच। यस सर। सब होगी नहीं भाई यहाँ पे? हाँ सर। क्या सेक्शन था हमारा? चार्जिंग सेक्शन था। चार्जिंग सेक्शन में कोई हमारा सेट बचा है क्या, ये बताओ? नहीं सर। कोई सा भी सेट बचाएगा बिना चार्जिंग? हमने डायग्नोस करके दिया है आपको और लगभग लगभग जो सेट थे हमने सारे का प्रैक्टिकल देखा अभी। कितनी कितनी बॉल की? सबसे पहले बात करें हम ओवीपीआईसी की, तो कितनी बॉल की देखी आपने? 9 बॉल 12 बॉल। बाईपास करने में कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई दिक्कत है? नहीं सर। बाईपास कर लेंगे आप? नहीं सर। कॉन्फिडेंस के साथ? यस सर। अच्छा, कोई सा भी आपके पास चार्जिंग सर्किट आए, जो फार्मूला है हम वो फार्मूला लगाएंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा? यस सर। है? यस सर। हम खाली 3 चीज देख के मालूम कर सकते हैं हमारा चार्जिंग आईसी सही है या गलत है। जी हां सर। बदलने में कितनी देर लगेगी चार्जिंग आईसी को? फाइंड आउट करने में कितनी देर लगेगी? 2 मिनट। 2 मिनट में फाइंड आउट कर लेंगे हमारा चार्जर ओके है नॉट ओके है? जी सर। ठीक है, कोर्स के सारे वोल्टेज और हमको जीआरपी पता है? जी हां सर। है ना? जी सर पता है। आज आपकी देव सर के साथ क्लास थी, बताइए आप चार्जिंग को ठीक से समझे कि नहीं समझे? आप बताइए, आप कैसी रही आपकी क्लास? आपकी बहुत बढ़िया रही। थोड़ा सा आप बताइए। बहुत बढ़िया सर। आज सबसे अच्छा लगा जो बाईपास किया ओवीपी का, वो सबसे अच्छा था। सबसे अच्छा वो जो बाईपास किया वो भी लगा। और आपको सर्किट बनाने के बारे में बात करें तो अपन बहुत अच्छा बताया देवसान ने, उसके बाद खुद ही प्रैक्टिकल में हम ट्रेसिंग किए। प्रैक्टिकल के बाद वहाँ पर जो सर ने बताया आपको, कोई सा भी ऐसा कोई मोबाइल में ऐसा कोई आपको सर्किट छोड़ा है कि जो बाकी रह गया हो बताओ मेरे को? चार्जिंग के अंदर? चार्जिंग के अंदर बताओ मेरे को? नहीं सर। चार्जिंग से संबंधित कोई सा भी बाकी नहीं? नहीं सर। सारे सेटों पे हमने देखा। हां सर। ओप्पो के भी सेट पे देखा हमने, सर के सेट पे भी देखा है ना। और आपके लाइट सेट थे इसके अंदर? कितने लाइट सेट थे आपके? लाइट सेट कितने थे आपके जो आप जो आपने डायग्नोस करने के दिए थे आपको? 10 थे। उसकी पूरी की पूरी आपने केस हिस्ट्री देखी यहाँ पे? डायग्नोस करके मतलब क्या प्रॉब्लम थी, कैसे बनाया आपने, पूरा का पूरा देखा? जी सर। अच्छा, जितने आपने सेट दिए थे चार्जिंग के, बिना बिना बना हुआ किसी का सेट है क्या? नहीं सर। बिना बना हुआ सेट है क्या? नहीं सर। 100% हुआ है हमारे पास सर, है ना? और एक शब्दों में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसे टेलीकॉम के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है सर। कोई भी अगर सर सही से सर सीख के जा सकता है सर यहाँ से? सर कोई भी सीख के जा सकता है सर यहाँ से? सर कोई भी सीख के जा सकता है? हाँ। थोड़ा आप बताइए मेरे को। सर बहुत अच्छा है यहाँ पे, जो भी कुछ बताया जा रहा है एकदम सरल तरीके से बताया जा रहा है। कोई भी आदमी हो, एकदम नया आदमी हो, कुछ जो कभी मोबाइल खोला भी नहीं होगा, एक बार में खोलेगा मोबाइल, एक बार में बनाएगा, वन टाइम में मतलब मोबाइल बना के रेडी करेगा। अच्छा बताइए, अभी आपने क्लास में डेड हैंडसेट कितने दिए आपने? टोटल डेड हैंडसेट कितने दिए? 80 हैंडसेट। किसी की कैपेसिटी एकदम से 80 हैंडसेट बना पाना? नहीं सर। तो बाकी हम मतलब आपने 80 पीस दिए तो आप 80 पीस की डेड सेक्शन में आप उसकी कैश हिस्ट्री देखेंगे आप पूरे सेट की। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपके पास 2 या 4 के पास अभी बाकी है सेट जो अभी शाम को देना बाकी है, आप बिल्कुल दीजिए और पूरा का पूरा डेड सेक्शन का पूरा डायग्नोस करके जाइए आप यहाँ से। हर चीज का एक सॉल्यूशन मिलेगा। और सेट बनाएगा कौन? हम। कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। हम क्या करके देंगे आपको? डायग्नोस करके देंगे। और बनाएगा कौन? हम बनाएंगे। आप बनाएंगे। 80 हैंडसेट है ना भाई? जी सर 80 हैंडसेट है।
कम होते कि ज्यादा होते? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अगर हम एक ही अगर एक ही अगर डेड सेक्शन में अगर 80 सेट को हम देखेंगे वहां पर डायग्नोस करते हुए हमारे दिमाग में होगा ना, चलो एक हैंडसेट में नहीं आएगा, दो हैंडसेट में नहीं आएगा, तीन हैंडसेट में नहीं आएगा, चार में नहीं आएगा, दस में नहीं आएगा, बीस में नहीं आएगा, चालीस में नहीं आएगा, पचास में नहीं आएगा, अस्सी में तो आएगा ना। ठीक है, और एक सरल शब्दों में कैसा अनुभव रहा आपका? और बहुत, बहुत अच्छा रहा सर। सबसे बेहतर मेरे को लगा कि सी टाइप फाइव पिन जो होता है उसको रिप्लेस हम कर सकते हैं सी टाइप के जगह पे। अच्छा। एक अच्छा था, और चार्जिंग नट स्टोर का जो सोल्यूशन था फेक चार्जिंग बहुत बढ़िया है, फेक चार्जिंग, फेक चार्जिंग बहुत अच्छा लगा, है ना। और हमने ये भी देखा कि हमारी अगर स्लो चार्जिंग होती तो किन लाइनों में दिक्कत होती है, फेसिंग एंड तक का सोल्यूशन मिला, एंड तक का सोल्यूशन। अब अच्छा, इसके ऊपर कोई चार्जिंग में कुछ मसला बनता है? नहीं, नहीं, है ना। आपको बैटरी लगाने के बाद कितने वोल्ट मिलना चाहिए, बैटरी हटाने के बाद कितने वोल्ट मिलना चाहिए, चार्जिंग लगाने के बाद कितना, अभी प्रैक्टिकल क्लास में किया ना आपने? नहीं, 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 नहीं। आपने किया ना प्रैक्टिकल क्लास में? पूरा का पूरा देखा ना, थोड़ा आगे आइए। आपने अभी प्रैक्टिकल क्लास में किया ना? हाँ सर। आपके हाथ से पूरा ट्रेस किया ना? हाँ सर। आपने वी बस से लगा के आपने ओवीपी आईसी, ओवीपी से चार्जिंग आईसी, चार्जिंग आईसी से आउटपुट में कितने वोल्ट मिलना है पूरा अपने आपने अपने हाथ से किया ना? हाँ सर, जी सर। किसी चीज की कमी रही है क्या, बताओ मेरे को? नहीं सर। अभी आपको अगर हाथ में कोई सा भी सेट देंगे तो आप बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे चार्जिंग का? आपको पूरा मेथड मालूम हुआ ना? चलिए तो दोस्तों, ये हमारा चार्जिंग सेक्शन, और चार्जिंग सेक्शन में आप देखें कि हम किस तरीके से बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से, कि जो आपके चार्जिंग कनेक्टर होता है वो भले पाँच पिन का हो, सैमसंग का हो, या फिर टाइप सी हो, हम हर करेक्टर की जानकारी देते हैं, टाइप सी करेक्टर को किस तरह से पाँच पिन में बदला जाए। उसके बाद उस करेक्टर से हम पूरा शुरुआत करते हैं कि आपकी लाइनिंग किस तरीके से आगे बढ़ रही है, क्या चीज़ पैलर, क्या चीज़ सीरीज में लगी है, कौन कौन सी आईसी आपको आएंगी, और यहाँ तक कि स्मार्ट से स्मार्ट आईसीओ के बारे में हम जानकारी देते हैं जो अभी लेटेस्ट फ़ोन में लगी हैं। दोस्तों, ओल्ड फ़ोनों की आईसीयाँ तो हर कोई बता देगा और पुराने फ़ोन में हर कोई काम कर लेगा, पर अभी के जो मोबाइल आ रहे हैं वन प्लस, या अभी के जो मोबाइल आ रहे हैं आपके रियलमी के, ओप्पो के, वीवो के हैंडसेट के, इसकी हमने लाइव आईसी बनाई थी, और जो हमने यहाँ पर निकाला था वीवो Y91, उसके अलावा भी बहुत सारे जो फ़ोन अभी मार्केट में लेटेस्ट आ रहे हैं उन फ़ोनों की यहाँ पे हम डिटेलिंग करते हैं, जानकारी करते हैं। सैमसंग A50, अब इनको हम आगे जाके MOLED सेक्शन देने वाले हैं, जो सैमसंग A50, M30, M31 का, ये इस तरह। तो चलिए, आज हमारा कौन सा सेक्शन था, आज हमारा किसका सेक्शन था? सर, चार्जिंग का सेक्शन था। चार्जिंग का सेक्शन था। हाँ, तो चार्जिंग अगर हम बात करें, चार्जिंग में कौन कौन सी आईसी होती है, डीसी टू डीसी क्या होता है, हमारा प्रोटेक्शन आईसी क्या होती है, चार्जिंग, तो बीक्यू में बीक्यू करिएगा, इसमें कब ईएन आना चाहिए, कितना हमें कहाँ पे क्या वोल्टेज आना चाहिए, बूट कैपेसिटर क्या होता है, ये सारा कुछ पता चला आपको? हाँ सर, पूरा पता चला सर। बूट कैपेसिटर कहाँ पे, यहाँ पे बताइए। बूट कैपेसिटर सर यहाँ पे है सर। बूट कैपेसिटर ये सीरीज में लगा रहेगा कि पैलर में लगा होगा? ये सर सीरीज में रहेगा सर। सीरीज में लगा है। हाँ सर। ओके, चलिए ठीक है। क्या कर रहे हो आप? चार्जर टेस्ट कर रहे हैं। ये क्या बनाया आपने, बीक्यू का सर्किट? हमें यहाँ पे कहाँ पे इनपुट आना चाहिए, कहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए, कब 4 वोल्ट निकलेगा, ये सब कुछ चेक करके बनाया, कैसे बना दिया? चेक करके बनाया। चलिए ठीक है, चलिए। आप क्या कर रहे हो सर? वो चार्जिंग की सभी लाइनें ट्रेस करें कि आईसी तक कहाँ तक जाता है। बीएस कौन से बीएस पावर 5A, 5A का कर रहे हैं। ओवीपी आईसी को बाईपास कर सकते हैं? जी सर, बहुत आराम से कर सकते हैं। जी सर, हमारा कनेक्टर सभी लाइनों को ट्रेस करें, बीएस लाइन, GND और DM, DP और ID। ओके, चलिए ठीक है, करिए। क्या कर रहे हैं आप? सर, ओबीपी को बाईपास करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओबीपी आईसी को बाईपास कर रहा है? हाँ सर। ओबीपी आईसी में कितना इनपुट होता है, कितना आउटपुट होगा? सर, इसमें 5 वोल्ट ही इनपुट होगा, और 5 वोल्ट ही इनपुट होगा, और आउटपुट कितना होगा? 5 ही वोल्ट आउटपुट होगा। चलिए ठीक। क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, इसका था चार्जिंग सेक्शन था। तो ये आपने अभी जो आपने बीक्यू का सर्किट बनाया है, यहाँ पे हमें किस किस पिन पे हमारा इनपुट किस पे आएगा? 5 वोल्ट
सर इसमें 5 वोल्ट ESV भी OBP IC है। OBP IC लगी है। OBP IC हम बाईपास कर सकते हैं जी, बिल्कुल वही अभी बनाने वाले हैं, अभी बाईपास जम्पर भी बनाएंगे, उसके बाद ये हमारा BQIC हो जाता है। BQIC में एक और 24 पिन पे जी। ये आपने जो बनाया है ये समझ के बनाया है, ट्रेस करके बना रहे हैं? बिल्कुल, सामने बोर्ड है सर, इससे हम ट्रेस कर रहे हैं। तो कैसी रही चार्जिंग की क्लास? चार्जिंग सेक्शन में चार्जिंग स्पीक चार्जिंग बहुत डीप नॉलेज मिला, डीप नॉलेज में मिला जी सर। ओके, किस आईसी से आती है, डीसी टू डीसी क्या है, ये सारा कुछ पता चला? चलिए ठीक है, करिए। क्या कर रहे हैं भैया? सर हम डायग्राम किस कौन सा सर्किट है ये? MI5A का BQIC का सर्किट है। समझ में आ रहा है चार्जिंग IC? अगर चार्जिंग फेक चार्जिंग हो और हमारा स्टोर ना हो रहा हो तो ये सारी चीज़ें हम कर पाएंगे? चलिए ठीक है, करिए। क्या कर रहे हैं आप? सर Redmi 4X का ये चार्जिंग का जो CC बोर्ड का डायग्राम है, ये बोर्ड तक और उसके सब PCB का, और उसके बाद इधर से हमारा OBP IC, ओके, उसके बाद TM8952 के तक पूरा ट्रैक है, उसके बाद बैटरी कनेक्टर आउटपुट के ट्रैक है। EMI ये सब चेक किया है? जी सर, चेक करके बनाया सर। जी सर, ये D+D- हुआ, ये हमारा आईडी का जो हमारा जो डिटेक्ट करता है जो हमारा जी जी उसके ट्रैक है सर, ये पावर आईसी में जाता है। ओके चलिए ठीक, कैसे रही ओवरऑल चार्जिंग क्लास आज? बहुत अच्छा सर, समझ में आई सारी चीज़ें? जी सर। आप क्या कर रहे हैं? सर मैं वो चार्जिंग कनेक्टर से हमारा कौन से फ़ोन का बनाया है? MI5A का वोल्टेज चेक किया इसमें? हाँ, और वोल्टेज प्लस एवरी कनेक्टर का GR प्लस वोल्टेज दोनों, और OBP IC में 3 पिन में इसका सप्लाई आता है और 3 पिन में GR आता है, उसके बाद हमारा BQIC का 1 और 24 नंबर के पिन में IN होता है। ओके, और 15 और 16 पिन से आउट होता है, बूस्ट कर लेकर BPH पावर BPH बन जाता है बैटरी कनेक्टर पर। क्या कर रहे हैं? ट्रेसिंग कर रहे हैं। आपका सर्किट कहाँ है, डायग्राम कहाँ दिखाइए? ये आपने जो बनाया सब ट्रेस करके बनाया? ट्रेस किया। चलिए ठीक, आप क्या कर रहे हैं? सर चार्जिंग का कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, पहले 5A किया, अभी चार्जिंग खुला। 5A किया, कहाँ पे सर्किट दिखाई, डायग्राम दिखाई। सारा सर्किट BQIC का, बाईपास करके बनाया। हाँ जी हाँ जी सर, बाईपास किया। कैसी रही ओवरऑल चार्जिंग क्लास आज, समझ में आई? चलिए इधर देखिए, ये क्या बनाया आपने? BQIC सर। BQIC बनाया हुआ है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए क्या यहाँ पे इनपुट है, क्या बोर्ड का फीचर है? चार्जिंग का इनपुट है सर। okay. ये बैटरी का इन है, इस पर आउट होता है। ओके okay. इस जो आपने बनाया है, अगर यहाँ पे चार्जिंग से रिलेटेड फॉल्ट आता है तो अभी आप बना पाएंगे? चार्जिंग एरर की बात करें, स्टोर ना करें, ये सब कुछ बना पाएंगे अभी? आप क्या कर रहे हैं अभी? ट्रेसिंग कर रहे हैं। चार्जिंग कौन सा सर्किट लगा हुआ है उसमें सर? इसमें कौन सा सर? IC। हाँ, IC कौन सी लगी, चार्जिंग IC? BQ लगा हुआ है। चेक कर पा रहा है उसमें कितना इनपुट कहाँ पे आउटपुट होगा? हाँ सर। ओके, आप क्या कर रहे हैं? सर मैंने ट्रेसिंग करी है इसकी। BQ करें? हाँ जी सर। कहाँ पे हमें इनपुट आएगा बताइए, किस पिन पे? आउटपुट इनपुट ये 1 नंबर और 24 नंबर। ये वायर डायरेक्ट आ रहा है कि बीच में कुछ लगा हुआ है? एक कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे OBP भी लगा होगा, इसके जस्ट ऊपर देखेंगे तो OBP भी लगा हुआ है, ओवर प्रोटेक्शन। कैसे रही चार्जिंग क्लास? अब चार्जिंग में एरर आएगा? हाँ सर, क्लास बहुत बढ़िया, समझ पाएंगे उसको? चार्जिंग में कोई फॉल्ट आ रहा है, चार्जिंग पॉज हो रहा है, चार्जिंग बढ़ नहीं रहा है, स्टोर नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम समझ जाएंगे? जी सर, कर पाएंगे अभी? जी सर। चलिए, क्या कर रहे हैं आप?
सर्किट चेक कर रहा हूँ। वीवो का है। हाँ, इसमें चार्जिंग की दिक्कत भी थी, सर ने बताया था। ओके। तो बाईपास किया, जीआर नहीं आ रहा था, अब जीआर आने लगे। तो क्या बाईपास किया आपने? ये ओवीपी आईसी थी। ओवीपी आईसी लगी हुई थी। हाँ, इसको बाईपास करके जीआर आने लगे। अच्छा, जीआर आने लगा। तो चार्जिंग बना दी आपने? लाइव अभी चार्ज हो रहा है फोन? नहीं, अभी सेट बंद है। बाकी इसमें पहले जीआर नहीं था, अब जीआर है। चार्जिंग कंटिन्यू की आ रही है। चार्जिंग की आ रही है। 5 वोल्ट जा रहा है। 5 वोल्ट जाके और बूस्ट कॉइल से 7 वोल्ट। ओके, वो बन रहा है। चेक कर रहे हैं आप? चेक कर लें। ओके, आप क्या कर रहे हैं? ऐसे लगाई है। ऐसे लगाई? तो क्या काम कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम था इसमें फ़ोन में? सर, ये कनेक्ट नहीं हो रहा था कंप्यूटर से। कनेक्ट नहीं हो रहा था, मतलब क्या प्रॉब्लम था? डीएम डीपी में क्या कंडीशन प्रॉब्लम था? उसमें रीडिंग नहीं आ रही थी। तो आपने क्या क्या काम किया इसमें? आईसी से जंपर निकाल के लगाया हमने। ये आप देख सकते हैं, आईसी से जंपर निकाल के ट्रेस करके बनाया ये। आपको इस कॉइल से और यहाँ तक डीप नहीं मिल रही थी, तो आपने वहाँ पर जंपर मार दिया। अभी हो गया? ओके हो गया। अभी कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है? ओके, चलिए करिए। क्या कर रहे हैं? ट्रेसिंग कर रहे हैं। इसे किस फ़ोन पे कर रहे हैं? नोट फोर कर रहे हैं। कौन सी आईसी लगी है चार्जिंग आई सी? चार्जिंग आई सी में पी एम आई लगा हुआ है। हाँ। तो कहाँ पे सर्किट बना रहे हो? सर्किट पीछे लगा रहे हैं, चार्जिंग थोड़ा बनाया था। चलिए ठीक है, कंप्लीट करिए। क्या कर रहे हो? उसको बनाया, ये बनाया अभी। BQS। इनपुट बताइए। ये सर एक नंबर। बूट कैपेसिटर बताइए। ये सर बूट कैपेसिटर क्या काम करता है, वो सारा चीज़ पता है यहाँ पे? फेक चार्जिंग है या फिर हमारा स्टोर नहीं हो रहा है तो बना पाएंगे प्रॉब्लम? ओके, क्या कर रहे हो? ट्रेसिंग कर रहा हूँ। ट्रेसिंग कर रहे हैं। तो ये दिखाइए, क्या बनाया आपने? अभी बनाया हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो अगर हम बात करें चार्जिंग में फॉल्ट की, चार्जिंग एरर की बात करें, तो आप उसे शॉर्ट आउट कर लोगे, बना पाएंगे, सर्किट पहचान जाएंगे कौन सी हमारी चार्जिंग ऐसी है, BPH कब बनता है, इनपुट कब आएगा, आउटपुट कब होगा, ये सारा चीज़ पता चल जाएगा। क्या कर रहे हैं आप? OBP IC को बाईपास कर सकते हैं? क्या OBP IC कितना वोल्टेज इन करता है और कितने वोल्टेज आउट करता है? 5 वोल्ट इन करता है। और आउटपुट कितना करेगा? 5 ही वोल्ट आउटपुट करेगा। तो ये सब इसको हम बाईपास कर सकते हैं? हाँ सर, ये OBP है। तो ये हमारी थी चार्जिंग सेक्शन। आज हमारा चार्जिंग लाइव ट्रेसिंग कर रहे हैं सारे स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। ऐसे ही डेली का लैब आते हैं, तो मिलते हैं। थैंक यू। और दोस्तों, ये हमारी लैब है और ये हमारा शाम का प्रैक्टिकल वर्क है, जिसमें आप देखिए स्टूडेंट ने ट्रेसिंग करके पूरा सर्किट बनाया हुआ है। और ये स्टूडेंट ने विदाउट किसी लैपटॉप, विदाउट किसी डायग्राम के उन्होंने सर्किट बनाया है। लैपटॉप से तो कोई भी सर्किट को छापा जा सकता है, पर ये यहाँ पर उन्होंने बिना किसी डायग्राम और के ये ऑलरेडी बना के बैठे हैं। ये हमारा बिल्कुल एंड आखिरी के टाइम पर हमने एक वीडियो शूट करते हैं, जिसमें हमने इनसे पूछा है कि आपने क्या सर्किट बनाया है, और यहाँ पर इन्होंने इस सर्किट को बनाकर बताया है हमें कि सर इन्होंने इस तरह से इस मोबाइल में ये ट्रेसिंग की है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप इंडिया में ऐसा टेलीकॉम आ पाएंगे, और इनमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जैसे ये जो आप देख रहे हैं, इन्होंने लाइफ में पहली बार किसी मोबाइल फ़ोन को खोला है, और ये मोबाइल फ़ोन को खुलने को दूर की बात है, ये इंडस्ट्री में भी नहीं थे। और उसके बाद देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग से आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, कि किस तरह से बी बस इनपुट होता है और आगे जाके बी आउट निकलता है, और ये सब कुछ इन्होंने यहाँ पर लाइव किया हुआ है। और यही लाइव ये देखते हैं ट्रबल शूटिंग अपने मोबाइल में। हम इनसे सारे मोबाइल फ़ोन लेते हैं, एक भी ऐसा जन नहीं है जिनके मोबाइल नहीं लेते। और हम आपसे भी बोलते हैं, अगर आप इस टेलीकॉम ज्वाइन कर रहे हैं तो चार्जिंग के हो गए, ऑडियो हो गए, डिस्प्ले, लाइट, नेटवर्क सेक्शन, जितने आप फ़ोन ला सकते हैं डेट सेक्शन आप उतने लाइए। यहाँ किसी को ये नहीं है कि 2 या 3 या 5 पीस आप लेकर लाना है, तो जितना आप ला सकते हैं उतना आप लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, एसर टेलीकॉम आप ज्वाइन करेंगे तो आपका रहना खाना पूरा फ्री रहता है, आपको अलग से पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में सिर्फ एक फ़ीस बता दी जाती है, और आप इसे टेलीकॉम की फ़ीस के साथ कंपेयर करते हैं तो आपको ज़्यादा लगती है, पर आप ये नहीं सोचते कि वो जो फ़ीस है बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, वो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग की फ़ीस है। वहाँ रहने खाने का आपको 10 से 15 हज़ार तो ऑलमोस्ट पे करना ही होता है। अगर दिन के 300 रुपये के हिसाब से भी बात करो तो 30 दिन का 9 हज़ार, और खाने का हिसाब से तो 15 हज़ार का पे आपको लगता ही है। तो ये सब कुछ आपको फ्री फीस में फ्री मिलेगा। आप कॉल करो और
जितना आप फॉल्टी मोबाइल लाओ अपने मोबाइल में रिपेयर करके जाओ, और इसके बाद फिर 3 महीने 4 महीने फिर मेहनत करो और मार्केट का काम करो, और मार्केट में काम करने के बाद फिर अगर कोई बग्स हो या कोई आपको दिक्कत हो तो वापस आओ, और वापस आके हमारे पास फिर से फ्री और बैकअप क्लास लो हमारी। और ये बैकअप क्लास में दोस्तों हम सिर्फ उन लोगों के लिए रखते हैं जो बैकअप के लिए आते हैं, तो वो 2 से 3 दिन की बैकअप क्लास होती है जिसमें उनके सारे डाउट क्लियर करते हैं, और जिसमें भी हम उनसे टूल्स का या पीपीडी या किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं लेते हैं, सिर्फ रहने और खाने का सिर्फ 3 दिन का किराया आपका लगता है। और आप जब यहाँ एसर टेलीकॉम के साथ जुड़ेंगे तो आपको बहुत अनुभव मिलेगा, क्योंकि इसके बाद में ग्रुप पर आपको जो मैसेज की आपको जो सेवा मिलेंगी, जो सपोर्ट सिस्टम होगा, डायरेक्ट टीचर से भी बात करने का सपोर्ट सिस्टम है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो टीचिंग है वो वर्ल्ड क्लास टीचिंग है, और जो टाइमिंग है वो भी बहुत ज़्यादा है हमारी, और जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो तो ऑब्वियस है, आपने देखा होगा कि हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और समझाने का तरीका आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और ये हमारा एक आप मान सकते हैं USP है कि मेन हमारी टीचिंग है, और कोई भी ICU हो चाहे ब्लैक पेस्टेड हो या डुअल डेकर, हर कोई एक बच्चा यहाँ से करके जाता है। तो ये आप देखिए, ये आपको मिलेगा केवल एसर टेलीकॉम में, तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करें, लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिवॉल्व भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आया आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने, लास्ट डे क्या किया? डबल टेकर सीपीयू करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल टेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? तो कैसे रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने किया, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने किया। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल टेकर किया मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज से क्या करवाया? डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया सर? डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू, और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता सर? बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया सर? डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर, खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर, यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर, रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा, ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस सर? हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट।